नमस्कार, कुशल शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आपको ये मसाला कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ग्रीन शेड में है और पहले भी मैंने मसाला यूज़ किया है। मसाला नहीं कहेंगे इसको, हम कहते हैं ड्राई चटनी, ग्रीन कोरिएंडर ड्राई चटनी। और आज की डेट में इस चटनी की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरत है। जबकि गर्मियाँ होती हैं, धनिया महंगा हो जाता है या धनिया को अच्छे से सेव नहीं कर पाते हैं, सबके घर में फ्रिज भी नहीं होता है और धनिया अवेलेबल भी होता है तो ख़राब हो जाता है, वेस्ट फेंकना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि हम ड्राई चटनी बना करके रखें और फिर उसको बस इसको एक चम्मच में ले करके और कटोरी में घोलना है और चटनी हमारी रेडी हो जाती है। और जितनी ज़रूरत है उतनी चटनी बना कर खाइए, सैंडविच में लगाइए, पकौड़ों के साथ खाइए, फाफड़े के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए, रोटी सब्जी के साथ खाइए, मर्जी आपकी, किसके साथ टेस्ट लेना है उसी के साथ खाइएगा। चलिए आज इस चटनी को बना के दिखाती हूँ। काफ़ी पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की थी, मैंने भुट्टे में भी लगाया था ये और कुछ चीज़ों में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन आज लॉकडाउन की स्टेज में ये मेरे को शेयर करनी पड़ रही है और आपकी ज़रूरत भी है तो आप तक मैं पहुंचाना चाहती हूं ताकि आप सभी इसी का फ़ायदा उठा सकें। चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लेना है मैं आपको बताती हूं। एक यहां हमने ग्रीन कोरिएंडर पाउडर लिया है और ये देखिए मेरा फ्रेश है, ग्रीन लेना है। इसमें एक येलो कलर में पुराना कोरिएंडर आता है वो नहीं लेना बिल्कुल भी, ये वाला कलर लेना है, ग्रीन कलर फ्रेश जो आता है ग्रीन कलर का वही लेना है। इसलिए मैंने ये ग्रीन, मैं वैसे भी वही लेती हूँ ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो हींग डालनी है, हींग डालेंगे थोड़ा सा और हींग डालेंगे और चटनी में जो जो चीज़ें डलती हैं, हींग डलती है, काला नमक सफ़ेद नमक डलता है वो डालेंगे और इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, ठीक है ना। ये अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें। अब ये मेरे दो बड़े चम्मच हैं, दो बड़े चम्मच कोरिएंडर पाउडर है क्योंकि ड्राई है और ये जब चटनी बनती है तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक चम्मच इसमें कोरिएंडर पाउडर अमचूर पाउडर लेंगे, चटनी है ये छोटा चम्मच लेंगे और ये हमारा बड़ा चम्मच है जो कि हम घर में टेबल स्पून यूज़ करते हैं। ये वाली टेबल स्पून दो चम्मच भर के लेनी है। इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा खट्टी चाहिए या कम खट्टी चाहिए तो हम कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और अब मैं इसमें लूँगी ब्लैक सॉल्ट, ये एक चम्मच ब्लैक सॉल्ट ले लिया है और इसमें वाइट सॉल्ट अभी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सॉल्ट से अच्छा सेफ रहता है मसाला, तो थोड़ा सा हम डाल लेंगे। बाकी ज़रूरत पड़ने पर हम किसी भी चीज़ में हम यूज़ करते हैं तो इस चटनी के साथ एक्स्ट्रा बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब आइए इसमें बचा क्या है, रेड चिल्ली। अब रेड चिल्ली हमारी ये है तो रेड चिल्ली भी हम इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ पर मैं रेड चिल्ली अगर कम खानी है तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा खा लीजिए, लेकिन मेन जो चटनी है वो है कोरिएंडर। तो इसमें मैंने एक ले ली है चिल्ली और ज़्यादा खानी चाहे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आज के चलते हैं, बाकी मैं पीसी भी ले लेती हूँ। बाकी एक चम्मच मैं ये पिसा हुआ ले लेती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा रेसिपी बना रही है तो अच्छा हो जाएगा ना। तो इन चीज़ों में हम रेशो, वैसे ये सही है हमारी, एक एक चम्मच ये है और डबल का ही ले लें। और मेन कोरिएंडर का इसमें रोल है और बाकी मसालों का इसको हमें एक साथ में मिक्सी में पीसना है और इतना पीसना है कि खूब बारीक हो जाए, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, मतलब छानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब चीज़ खाने की है
थोड़ा दलदला भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बारीक पीस जाता है छोटे ग्राइंडर में आप पीसेंगे तो। चलिए इन सबको पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैं करी लीव्स भी डालूंगी और हींग, वो भी मैं दिखाना भूल गई थी, करी लीव्स और हींग भी डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छी चटनी बनती है। फ्रेंड्स हमारी चटनी पीस गई है, इसको भी हम धीरे से खोलेंगे ताकि धसक हमारी नाक में न जाए। एकदम से उड़ता है मसाला तो इसको हम प्लेट में पलट लेंगे। ये देखिए ये हमारा मसाला रेडी है और ये कलर चटनी का आपको आ जाएगा। जब हम इस चटनी को घोलेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि हमारे घर में कोरिएंडर लीव्स नहीं है, तो हम इसका चटनी का जायका हम हर गर्मी में ले सकते हैं। और ड्राई चटनी मैं एक डिब्बे में भर कर रख लेती हूँ और मेरी भुट्टे की रेसिपी आप उसमें देख सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी लेकिन टाइम ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है तो मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और खाइए, और मैं इसको अभी घोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, जितनी चाहिए उतनी आप घोल लीजिए, और इसमें और इस तरीके से गाढ़ी पतली अपने हाथ में कर लीजिए। गाढ़ी खानी है गाढ़ी खाइए, पतली खानी है पतली खाइए। इस तरीके से ये हमारी पतली बन जाती है। आज मुझे पतली की ज़रूरत है, कढ़ी बन रही है, पकौड़ी बनेगी तो मैं पतली, और इसको गाढ़ा करना है तो इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आता है, तो जितनी चाहिए उतनी घोल लीजिए और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सॉल्ट या कुछ खटास आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। तो चलिए मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू ईयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।